लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इजिप्ट का बजट ट्रैवल कैसे करना है फ्रॉम इंडिया। उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि इजिप्ट में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट क्या क्या है, व्हाई इजिप्ट, और इजिप्ट जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आप वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस का हम आपको आंसर देने वाले इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारी सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। करेक्ट। और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इजिप्ट में आप स्कैमर से अपने आपको कैसे बता सकते हैं, क्योंकि स्कैम्स इजिप्ट में एकदम भर-भर के हैं। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बॉस। चलिए तो बिना किसी देर करे इस वीडियो का आगाज करते हैं। बिल्कुल। तो मेरे पास अभी लैपटॉप है, उस लैपटॉप पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे फ्रेंड्स ने पूछा हमें यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे। तो हमने हमेशा की तरह एक लिस्ट बनाई है क्वेश्चंस की, और एक एक करके जितना हमारी पॉसिबल वे में होगा हम सबका आंसर देंगे आपको। करेक्ट। और उसके अलावा अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है तो फील फ्री टू कॉमेंट डाउन, और उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे @vegiewonder पे मैसेज कर सकते हैं, वी विल रिस्पॉन्ड टू दैट। So first question था कि why did you choose Egypt rather than any other country? तो उसका आंसर मैं देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिक एक्सपीरियंसेस, पिरामिड्स जो कि मिस भी बोलते हैं जिसको हिंदी में, मैंने और ऑब्वियसली सब ने ही उसको हिस्ट्री में बहुत पढ़ा है। तो एक क्रेज था इजिप्ट के पिरामिड्स देखने का, ममीज का, एब्सोल्युटली सहारा डेजर्ट देखने का, बीच व्यू लेने का, और अफ्रीका का एक कल्चर देखने का, जो कि इजिप्ट थोड़ा सा मॉडर्न भी है और अफ्रीका के कल्चर को दर्शाता भी है। करेक्ट। तो हम एशिया और यूरोप घूम चुके थे, हमारा मन था कि हम एक और कॉन्टिनेंट को जाकर टच करें, तो हमारे दिमाग में आया भाई क्यों नहीं इजिप्ट। हाँ। तो हमने इजिप्ट उठाया और चल दिए इजिप्ट की तरफ, और वो इतना कॉस्टली भी नहीं है, अभी कॉस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे डिटेल में। सो ये था हमारा आंसर व्हाई वी चूज इजिप्ट। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है How to apply visa? Will you answer this? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल बताते हैं आपको। वीजा अप्लाई करने के लिए आप अगर दिल्ली या मुंबई में हैं तो आप एम्बेसी ऑफिस जा सकते हैं, इजिप्ट एम्बेसी, वहां पर जाके आपको जो भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपका पासपोर्ट, आपके कवर लेटर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसके अलावा आपको चाहिए फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग्स, ये आपको चाहिए होती है, आपके बैंक स्टेटमेंट पिछले लास्ट 6 मंथ का जो कि साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय योर बैंक, वो बिना साइन और स्टैम्प के उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना होता है, जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आपका कलर निकल के आना चाहिए, 60% ऑफ योर फेस शुड बी विजिबल, और ये सब माइन्यूट डिटेल का आपको ध्यान रखना होता है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, हम गए थे इजिप्ट दिसंबर 2022 में और हमने वीजा अप्लाई करा था नवंबर 2022 में। करेक्ट। हम ये वीडियो बना रहे हैं फेब 2023, और इस दौरान जितने भी लोगों ने हमारी वीडियोस देखी है और वीजा के लिए अप्लाई करा है, तो उनका एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन हमें आया है, हर सिटी से स्पेसिफिक क्वेश्चन आया है कि कवर लेटर के लिए क्या हमें एजेंट चाहिए या हमें नहीं चाहिए, क्या 2 महीने में कुछ चेंज तो नहीं हो गए रूल्स। हाँ, तो कवर लेटर के लिए आपको कोई एजेंट नहीं चाहिए, आप अपना कवर लेटर खुद लिख सकते हैं, लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी गगन ने मुझे याद दिलाया कि अब इजिप्ट एम्बेसी जो है वो बोल रही है कि आपको इजिप्शियन ट्रैवल एजेंट की आइटनरी चाहिए, तो वो एक नया डॉक्यूमेंट, पहले भी वो मांग रहे थे पर हमने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया, दे स्टिल अप्रूव्ड आर वीजा, पर शायद अब वो उसकी रिक्वायरमेंट हो गई है, तो उस चीज से बचने के लिए आप किसी स्कैम में ना फंस जाएं किसी के, क्योंकि एक लड़के ने हमें कमेंट किया इंस्टाग्राम पे कि उससे एक टूरिस्ट ट्रैवल एजेंट ने $110 मांगे हैं। हाँ। सिर्फ और सिर्फ आइटनरी प्रोवाइड करने के लिए, तो आप उन चक्करों में मत पड़िएगा, यू कैन गो टू अकबर ट्रैवल, यू कैन गो टू वीजा HQ या कोई और वीजा एजेंट जो आपकी नॉलेज में है, जिससे आपने पहले किसी कंट्री का वीजा लगवाया है, आप उससे सपोर्ट लें और अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करके पेश कर दें एजेंट एम्बेसी के आगे। तो ये एक हमने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने इस पे क्वेश्चन पूछा था कि 2-3 महीने में कुछ प्रोसेस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ। और वीजा के लिए क्या हमने कोई स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई है? हाँ, वीजा के लिए हमने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपको और डिटेल में जानना है कि किस फील्ड में क्या भरा जाएगा, कवर लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फोटो का एग्जैक्ट साइज क्या होना चाहिए, तो वो सारी डिटेल अगर आपको जाननी है तो ये लिंक आपको नजर आ रहा होगा, आप आराम से इस वीडियो को अंत तक देख लो, उसके बाद जाके डिटेल में इस पूरी प्लेलिस्ट को चला लेना, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक और क्वेश्चन है वीजा से रिलेटेड कि इसके चार्जेस क्या है फॉर टूरिस्ट वीजा और कितने दिन के लिए ये एप्लीकेबल है। तो जो चार्जेस है वो है 2700 रुपीज पर पर्सन 2700 रुपए हमारे लगे थे। कितने दिन के लिए एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल वीजा वैलिडिटी फॉर 90 डेज, जब आपको आज अगर वीजा मिला है तो अगले 90 दिन तक आप इजिप्ट कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जब आप एक बार इजिप्ट पहुंच गए तो आपको विद इन 30 डेज वापस आना होता है, तो आपका सिंगल एंट्री, इफ यू हैव अ सिंगल एंट्री वीजा, तो आपको 30 दिन का टेन्योर मिलता है रुकने के लिए इजिप्ट में सिंगल एंट्री वीजा में, और जो फीस है वो भी सिंगल एंट्री वीजा की है, वैसे वीजा की वैलिडिटी 90 दिन की होती है।
अब बोलते बोलते मुझे एक और क्वेश्चन दिमाग में आया, कई लोगों ने कॉमेंट करके पूछा कि भाई आपने कितने दिन पहले वीजा अप्लाई किया था और कितने दिन में वीजा आपको मिल गया। जिसका जवाब हमने दे दिया है कि हमने नवंबर 2022 में वीजा अप्लाई किया था, विद इन 7 to 8 days हमें वो प्रोसेस होकर, एक्चुअली वहां पर आपको एक अपॉइंटमेंट दे देते हैं कि आप अपना वीजा कलेक्ट करने या पासपोर्ट बेसिकली कलेक्ट करने इस दिन आ जाना। तो हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट 8th day पे हमें बुला लिया था कि आप 8th day पे आ सकते हैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने, और हमारी जो ट्रैवल था वो था दिसंबर का। करेक्ट, और जरूरी नहीं है कि आपको खुद जाना हो अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव वो स्लिप लेके जा सकते हैं और उनको आपका पासपोर्ट विद वीजा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जो कि ये हमें हमेशा पूछा जाता है हमारी हर इंटरनेशनल ट्रिप पे, कि आप फ्लाइट कैसे बुक करते हैं, कहाँ से बुक करते हैं। उसका आंसर तो तुमसे बेटर कोई और नहीं दे सकता जी। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, मेरी हमेशा हर वीडियो में होता है कि या आप गूगल फ्लाइट का सर्च, गूगल फ्लाइट पे आप सर्च कर सकते हैं, आप vigo.in पे आप सर्च कर सकते हैं, आप स्काई स्कैनर की एप्लीकेशन या वेब व्यू पे आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सारे क्या है, एग्रीगेटर्स हैं। तो आपको यहाँ पर कंपैरेटिव प्राइस में आपको दिख जाएगा कि ये वेबसाइट इतना दे रही है, ये वेबसाइट होगा इतना एक्सपेंस लग रहा है आपको। दो चीजें यहाँ पर मैं आपको एक कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ, दिल्ली टू कायरो की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आपको कहीं ना कहीं हॉल्ट जरूर लेना पड़ेगा। हमारा दिल्ली टू रियाद था, रियाद टू कायरो था। अगर आप मुंबई से फ्लाइट बुक कराते हैं तो मुंबई टू कायरो की डायरेक्ट फ्लाइट है। हाँ, करेक्ट। और वो सपोर्ट करता है आई थिंक इजिप्ट एयरवेज, जो गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पर एयर इंडिया वैसे वहाँ की है इजिप्ट एयर, तो वो सपोर्ट करता है। अगर आपको डायरेक्ट जाना है फ्रॉम मुंबई, तो आप मुंबई टू कायरो डायरेक्ट फ्लाइट भी लेकर जा सकते हैं। एक और चीज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पर कायरो है और अलेक्जेंड्रिया है। जब आप अपनी फ्लाइट चेक कर रहे हो कि मेरे को कहाँ की सही पड़ रही है, तो आप कायरो भी अपना डेस्टिनेशन डाल सकते हैं और अलेक्जेंड्रिया सिटी भी डाल सकते हैं। हमारे टाइम पे कायरो हमें काफी सस्ता पड़ रहा था एज कम्पेयर टू अलेक्जेंड्रिया, इसलिए हमारा था जी दिल्ली टू रियाद एंड देन रियाद टू कायरो। अब इसमें दो चीजें हैं, अलेक्जेंड्रिया कायरो से 2 घंटे 30 मिनट की दूरी पर है बाय ट्रेन, तो अगर आप अलेक्जेंड्रिया उतरते हैं तो आपको कायरो आने में 2.5 घंटा लग जाएगा और आप अपनी आइटनरी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, जैसे गगन ने बोला कि आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती, आपको हॉल्ट मिलता है, तो उसके लिए अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आपका हॉल्ट किसी भी कंट्री में 5 आवर से कम का है तो आपको वहां पर ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए होता 99%, बट देर आर कंट्रीज जो फिर भी बोलते हैं कि हमें ट्रांजिट वीजा चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि आपने जब अपनी फ्लाइट बुक करी, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ट्रांजिट था वो रियाद में था, तो हमने रियाद एम्बेसी कॉल करके पूछा कि भाई हमारा ट्रांजिट है 5 घंटे का, क्या हमें ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं चाहिए, तो देन वी वर श्योर कि हमें नहीं चाहिए और हमने ट्रांजिट वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि क्या हमें ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए या नहीं। एज पर वीजा प्रोसेस ट्रैवल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मगर मेरे हिसाब से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें कवर होती है। भगवान ना करे अगर वहां पर जाकर कोई प्रॉब्लम हो जाए, लगेज लॉस हो जाए, पासपोर्ट लॉस, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो सारा का सारा कॉस्ट जो होता है वो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से कवर होता है। करेक्ट। तो वीजा रिक्वायरमेंट में इन ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर इजिप्ट इज नॉट मैंडेटरी, पर हमने किया था ट्रैवल इंश्योरेंस जस्ट टू कीप आवर ट्रैवल सेफ एंड सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रुके कहाँ थे और हम कौन सी सिटीज में ट्रैवल करा था हमने। तो अब हम बताते हैं कि हमने कौन सी सिटीज में ट्रैवल करा था, थोड़ी सी एक स्मॉल आइटनरी के फॉर्म में बताते हैं। वैसे हम ऑलरेडी ये चीज कवर कर चुके हैं हमारे प्रीवियस ब्लॉग में, बट स्टिल एक बार बता देते हैं। तो जी हम यहाँ से गए थे कायरो, दिल्ली टू कायरो। कायरो में हम लोग पहुंच गए थे आई थिंक दोपहर में, दोपहर 2:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे, क्योंकि इंडिया और इजिप्ट में टाइम डिफरेंस है 3.5 घंटे का। तो हम लोग इजिप्ट के टाइम के अराउंड 3:30 या 3:30 बजे के अराउंड हम दोपहर में पहुंच गए थे। हम वहां पर नहीं रुके कायरो में, उस दिन की हमने करा ली थी जी, इंडिया से ही हमने ट्रेन बुक करा ली थी टू लक्सोर। करेक्ट। और ट्रेन बुकिंग के लिए भी काफी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उन एक इजिप्ट ट्रेन्स की एक मोबाइल एप्लीकेशन है, तो वेबसाइट भी, पर अभी समझ में आ रहा है कि वो शायद चल नहीं रही है वेबसाइट, इश्यूज है उसमें। तो आप उनकी एंड्रॉइड पे मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, आप यहाँ घर बैठे बैठे इजिप्ट की ट्रेन्स बुक करा सकते हैं। बैक टू आते हैं आइटनरी की, हमारी आइटनरी थी कि इंडिया टू कायरो। कायरो में हमने ऑलरेडी अपनी ट्रेन बुक करा रखी थी, तो हमने जैसे ही हम एयरपोर्ट से उतरे हम सीधा अपने कैब ले ली और हम पहुंच गए रामसेस रेलवे स्टेशन, जो कि वहां का एक यूनिक मतलब सेंटर रेलवे स्टेशन है, जहाँ से बाकी सिटीज के लिए आपको ट्रेन मिलती है। तो रामसेस से हम पहुंच गए, रामसेस से ट्रेन लेकर हम लोग पहुंच गए
लक्सौर, हमारी वो ओवरनाइट जर्नी थी, हमारी जो कैटेगरी थी ट्रेन की वो थी सेकंड एसी, और उसमें भी एक्चुअली ट्रेन में भी, इजिप्ट की ट्रेन में भी बहुत वैरायटी है, स्लीपर है, नॉन स्लीपर है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है। वैरायटी के अलावा इजिप्ट की ट्रेन यात्रा में ना आपको मजा बहुत आएगा। हाँ। हमने बहुत इंजॉय किया अपनी उस ट्रेन जर्नी को। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि आप जब प्लेलिस्ट देखोगे तो आप हमारा वो ट्रैवल व्लॉग जरूर देखोगे जहाँ पर हमने ट्रेन का पूरा वॉक थ्रू दिया है। हाँ। कि ट्रेन टूर दिया रादर, ट्रेन में टॉयलेट कैसा है, पावर प्लग्स है या नहीं, सब कुछ बताया है। बहुत मजेदार जर्नी रही थी हमारी। ठीक है जी, तो बैक टू फिर से आइटिनरी आते हैं हम लोग। कायरो टू लक्सौर, इट वॉज एन ओवरनाइट जर्नी। लक्सौर हम अर्ली मॉर्निंग सुबह पहुंच गए, उस दिन की हमारी फुल डे प्लान था ऑलरेडी, क्योंकि हम इधर से ही सारा बुक, इंडिया से ही सारा बुक करा के गए थे। हमारा अर्ली मॉर्निंग था हॉट एयर बलून, जो कि हमने कैपडोशिया में मिस कर दिया था, इसलिए हमें लक्सौर में वो करना था। क्या ही एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। तो अब आपको बता देते हैं कि लक्सौर में हमने मोटी मोटी क्या क्या चीजें करी। स्टार्ट करा था हमने हॉट एयर बलून से, फिर हम उसके बाद गए थे नाश्ता करने के बाद हाबू टेम्पल, किंग्स वैली, हॉट चिकन सूप, हॉट शेप शुत, हम गए थे। और इस दिन में हमारा फुल डे खत्म। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग की हमारी फिर वापसी थी। हमने सुबह सुबह लक्सौर कवर कर लिया, लक्सौर टेम्पल बोलते हैं या फिर कारनाक टेम्पल, नहीं हाँ करेक्ट, एक है लक्सौर टेम्पल और एक है कारनाक टेम्पल। लक्सौर टेम्पल हमने रात में ही कवर कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे पहुंच गए थे कारनाक टेम्पल, जो कि बहुत सुंदर है। तो आप अगर लक्सौर जा रहे हैं तो कारनाक टेम्पल जरूर जाइएगा। उसके बाद हम लोगों ने पकड़ी बस और डेजर्ट की उन चौड़ी चौड़ी सड़कों को कूदते फांदते हम पहुंच गए हुरगाड़ा। हुरगाड़ा तो हमारा जो थर्ड डे हो गया, थर्ड डे पे हम लोग पहुंच गए थे हुरगाड़ा। हुरगाड़ा के लिए जो हमने बस है वो लक्सौर में पहुंच के ही बुक करी थी, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि हम ये सारी चीजें एक दिन में लक्सौर में कवर कर पाएंगे या नहीं कवर कर पाएंगे। लक्सौर के लिए, लक्सौर से हुरगाड़ा के लिए जो हमने बस बुक करी थी वो हमने करी थी सुपर जेट, जिसकी कॉस्ट थी मात्र 125 इजिप्शियन पाउंड पर पर्सन। और हम 2:30 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए थे हुरगाड़ा। और हुरगाड़ा पहुंचते ही हमने अपने बीएनबी में चेक इन करा था, और वो बीएनबी जो था वो बहुत सुंदर बीएनबी था, क्योंकि वो बिल्कुल एक एल सवाकी और पैराडाइज बीच के बिल्कुल पास में था। और जो हमारे बीएनबी का होस्ट थे वो बहुत बढ़िया इंसान निकले, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो हमारा बीएनबी की ओवरऑल कॉस्ट भी बहुत कम आ गई, हम बीच के बिल्कुल, वी वर राइट ऑन द फेस ऑफ द बीच। और उसके बाद हम लोग फिर गए थे कोशारी खाने के लिए, अगर तुम्हें याद होगा। अरे यार ऑसम था कोशारी, इज ऑसम, उसके बारे में भी हम कवर करेंगे। फूड आएगा भी मेरे नीचे क्वेश्चन में वेजिटेरियन फूड के बारे में। सो देन वी वेंट टू हुरगाड़ा। हुरगाड़ा में उस दिन हमने सिर्फ रिलैक्स करा, इतना कुछ हॉटस्पॉट सी नहीं मचाई, बीच गए। एक इम्पोर्टेंट चीज की ना, उस दिन हमने बुक कर ली थी अगले दिन के लिए डेजर्ट सफारी। हाँ ये बहुत स्पेसिफिक चीज हमने करी थी, क्योंकि दोपहर हो गई थी उस दिन और कुछ आप कर नहीं सकते थे। और हम लोग ने अगले दिन के लिए सहारा डेजर्ट में डेजर्ट सफारी बुक कर ली थी, और वो बहुत अमेजिंग ट्रिप था। ये हमने बुक करी थी, हमारे बीएनबी के होस्ट जो है एडम भाई उन्हीं से हमने बुक करा ली थी। और इसका एक और चीज बताऊं कि यार इट वाज ऑसम। हाँ, और उसके बाद बुकिंग कराने के बाद हम लोग चले गए थे हुरगाड़ा मरीना। अगर आपको हुरगाड़ा की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करनी है तो आप हुरगाड़ा मरीना मिस नहीं कर सकते। इट वॉज लाइक सीपी ऑफ इंडिया, इतना मतलब हैपनिंग सा था। आपको ऐसे लगेगा जैसे लक्सौर वाज थोड़ा एंशियंट साइड ऑफ इजिप्ट एंड हुरगाड़ा वाज मॉडर्न वेस्टर्न साइड ऑफ इजिप्ट में आप जैसे आ गए हो, आप जैसे यूरोप में आ गए, तो इतना लग ही नहीं रहा था कि यार ये इजिप्ट में। हाँ, तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है हुरगाड़ा का, हमें बहुत मजा आया। हुरगाड़ा मरीना जैसे मैं आपको बता रहा था शुड बी वन ऑफ योर टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। बोट है, बहुत सारे सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट्स हैं, तो बहुत अच्छी एक नाइट लाइफ है वहां पर, आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन जैसा हमने आपको बताया, वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जो कि है सहारा डेजर्ट, उसकी सफारी के लिए। तो हम निकल पड़ते हैं फिर सफारी के लिए। और ये था हमारा फोर्थ डे इन इजिप्ट, जो हमने फुल डे कवर करा था सहारा डेजर्ट में। काफी मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। गेदुआ विलेज के लोगों से भी मिले थे। कॉस्ट कितनी थी ये तो बताओ। हाँ, कॉस्ट थी $15 पर पर्सन सहारा डेजर्ट, जिसमें आपका पिकअप, आपका ड्रॉप, आपका फुल डे वहाँ पर एक्सकर्शन, जिसमें आपकी वो क्या बोलते हैं एटीवी, क्वाड, एटीवी या क्वाड बाइक, बगी कार जिसे स्पाइडर कार बोलते हैं, तनूरा डांस, चाय, खाना, बेली डांस बाय एन अरेबिक वुमन, बहुत अच्छा डांस था वो, बहुत मजा आया वो सारा एक्सपीरियंस लेके। और वो हमारी रात फिर हो गई, वो दिन हमारा हो गया पूरा खत्म। तो फोर्थ डे हमारा खत्म, जिसमें से हमने फोर्थ डे तक हमने कवर कर लिया था लक्सौर, हमने कवर कर लिया था हुरगाड़ा का मेन मरीना बोल सकते हैं, फिर हुरगाड़ा से हम गए थे सहारा डेजर्ट। तो ये हमारा मोटा मोटा 4 दिन हो गए कवर फ्रॉम दिल्ली टू हुरगाड़ा। हाँ,
हुरगाड़ा में अगर आप हैं तो आप वहां पर अगर इफ यू लाइक स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग तो वो उसके भी बहुत अच्छे डेट टूर चलते हैं इकोनॉमिकली $25 per person $20 per person आपको आसानी से ये भी मिल जाएंगे। इस सब की भी इंफॉर्मेशन अगर आपको और डिटेल में जाननी है अगेन वी विल रेफर। अगर आप जब प्लेलिस्ट देखोगे आपको बहुत मजा आएगा, वहां पर आपको हमने ये तक बताया कि कहां जाके आप इन टूर्स को बुक कर सकते हैं। बिल्कुल। अब अगले प्रश्न की तरफ चलें। ओ अभी तो हमारी बची है कायरो बच्चा है। हाँ पूरा कायरो बच्चा है। इसका नेक्स्ट डे जो फिफ्थ डे था एक्चुअली वो भी हमने हुरगाड़ा के लिए ही रखा था, बट स्टिल हमें जब हम कायरो से लक्सौर जा रहे थे ट्रेन जर्नी में तो वहां पर हमें एक लोकलाइट भैया मिले थे आम्र बद्रान। उनसे एक ना फीलिंग एक दोस्त वाली बहुत अच्छी फीलिंग हो गई थी हमारी। इतना अच्छा कनेक्ट सेट हो गया था कि वो हमारे फिर पीछे पड़ गए कि तुम मेरे घर आओ मेरे घर आओ मेरे घर आओ। तो हम जब लक्सौर में थे तब तो हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें हुरगाड़ा जाना था। हुरगाड़ा में जैसे गगन ने बोला हमें लगा कि हमारा एक दिन बच रहा है तो हमने वो दिन पैक कर लिया नाग हमीदी के लिए जहां पर वो रहते हैं और हम गए रियल इजिप्शियन लोगों के बीच में एक इजिप्शियन फैमिली से मिलने और ये एक्सपीरियंस करने की इजिप्शियन फैमिली इंडियंस को कैसे ट्रीट करती है। और कैसा लगा तुम्हें वहां जाके? बहुत अच्छा था यार, मतलब ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वो एक पंजाबी फैमिली है जैसे बिल्कुल वार्म्थ के साथ वो मीट करते हैं ओपन हार्टेडली। तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स बुला रखे थे, नेबर्स बुला रखे थे, अच्छा बहुत बढ़िया खाना था। तो कितना हमने ट्रैवल करा था? 200-250 किलोमीटर, क्लोज टू 300 किलोमीटर। सिर्फ एक अजनबी से मिलने के लिए हम 300 किलोमीटर दूसरे शहर 300 किलोमीटर चल के गए, पर वो वर्थ था। मजा वो हमारी ट्रिप की हाईलाइट बन, इट वाज एन एक्सपीरियंस एक्चुअली, वो बोल रहा हूँ हमारी ट्रिप की पूरी हाईलाइट बन के रह गया है वो। तो हमारा जो फिफ्थ डे था वो यही था हुरगाड़ा से नागहमीदी, और नागहमीदी से हमने रात की ओवरनाइट बस कर ली थी सेम सुपर जेट टू कायरो। तो हमारा जो नेक्स्ट डे का जो 3-4 दिन थे वो सिर्फ कायरो में हमने स्पेंड करने के लिए रखे थे। लास्ट इसलिए रखा था क्योंकि जितने भी आपको शॉपिंग करनी है जो सब करना है वो पहले से क्यों कैरी कर करके अपने चलना है, क्योंकि आपकी वापसी की फ्लाइट ही कायरो से थी। तो गगन जब भी ट्रिप बनाती है हमेशा इस तरीके से बुक करती है कि जो भी सेंट्रल सिटी है वो हम हमेशा लास्ट में एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि सेंट्रल सिटी में आपको शॉपिंग के ऑप्शंस बेटर मिलते हैं। अगर आप सामान खरीदते भी हैं तो आपको वो बाहर लेके पूरे ट्रिप के दौरान घूमना नहीं पड़ता है। तो सेम कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इजिप्ट में भी प्लान किया। कायरो हमने लास्ट के लिए रखा था और कायरो के लिए हमने बचा के रखे थे लगभग 3.5 दिन और हमने काफी मजा किया। कायरो में आपको मिलेगी खाने खलीली मार्केट, आपको मिलेगा वहां पर जू, गीजा जू, मतलब मैं तो बचपन में गई थी यार जू, और बट वहां के अफ्रीका के टाइगर और शेर और ये सारी चीजें ज़ेब्रा ये सब देख के तो काफी मजा आ गया। इट वाज थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली। हाँ तो कायरो में आपके लिए जो कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हो जाता है आपका पिरामिड्स, सबसे इम्पोर्टेंट गीजा की पिरामिड जो हमने सबसे पहले दिन कवर किए थे। पिरामिड्स के बाद आपके लिए आता है नाइल रिवर क्रूज, वो भी हमने पहले दिन ही कवर कर लिया था। नाइल रिवर में बहुत अच्छे अच्छे क्रूज चलते हैं, यहाँ पर आप डिनर भी कर सकते हैं जाके, तो वो एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, हमने नहीं लिया था। उसके बाद हम लोगों ने कायरो में एक्सपीरियंस की थी मार्केट्स वहां की और एलेक्जेंड्रिया, एलेक्जेंड्रिया भी गए थे। हाँ, हाँ। उसके बारे में आपको बताते हैं मेरी लिस्ट में। तो कायरो का जो 3-4 दिन का सफर था दैट वाज अमेजिंग। और लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखा है जैसे अभी एलेक्जेंड्रिया के बारे में आते हैं कि हम एलेक्जेंड्रिया कैसे गए और हमने आसमान क्यों नहीं कवर किया। तो अभी जब मेरी आइटनरी चल रही थी उसमें हम कायरो पहुंच गए। कायरो में फिर हमने एक दिन का अपना ट्रिप रखा था एलेक्जेंड्रिया का, जैसे आपको पहले बताया था कि सिर्फ 2-2.5 घंटे की ही ट्रेन की जर्नी है फ्रॉम कायरो टू एलेक्जेंड्रिया। तो हमने अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन कर ली 8 बजे की, हम पहुंच गए एलेक्जेंड्रिया। फुल डे हमने बाय फुट ट्रैवल करा एलेक्जेंड्रिया। बहुत सुंदर जगह है, अमेजिंग जगह है, वहां पर बहुत सारी चीजें, स्टैनले ब्रिज है, मेडिटेशन सी है, पोम्पीज पिलर, शुरुआत से चलते हैं ना पोम्पीज पिलर, कैटाकॉम्ब ऑफ कोमल चकाफा, उसके बाद आप जा सकते हैं मार्केट वहां की, फिर हम गए थे एक बहुत सुंदर मॉस्क है वहां पे, फिर हम गए थे सीतादेल केतबे, सीतादेल ऑफ केतबे जो बड़ा सुंदर सा एक फोर्ट बना हुआ था समुद्र के किनारे, जहाँ पर वो उन्होंने फोटोग्राफ खिंचवाई थी। हाँ हाँ, उसके बाद फिर हम लोग गए थे स्टैनले ब्रिज, क्या ही सुंदर ब्रिज है। फिर हम गए थे मेडिटेरेनियन सी टच करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने एक दिन में हमने तो कवर कर ली थी और सिर्फ 8 घंटे में, क्योंकि हमारी रात की जो ट्रेन थी वो थी 8 बजे की फ्रॉम एलेक्जेंड्रिया बैक टू कायरो। तो डे वन इन कायरो जो था वो हमारा सिर्फ और सिर्फ पिरामिड्स था, एंड रात जो थी हमारी वो नाइल रिवर क्रूज थी जो कि एक शेयर्ड बोट थी, रिलैक्सिंग थी, शेयर्ड थी, मजा आया उधर। सेकेंड डे हमने एलेक्जेंड्रिया कवर किया, थर्ड डे हमने खाने खलीली मार्केट लोकल जो था हमने वो कवर किया,
फोर्थ डे हमने गीजा के हम जू चले गए थे, बहुत ज्यादा मजा आया। और गीजा के जू से पहले हम गए थे एक एंशियंट मार्केट, हाँ। या आप बोलो एंटीक मार्केट, भाई साहब उस मार्केट में जैकॉल तक बेच रहे थे, हाँ। और वो लगती सिर्फ सैटरडे को है, तो हमने प्लान अपना इस हिसाब से करा था कि सैटरडे मॉर्निंग हम लोग एंटीक मार्केट कवर कर ले, तो इस हिसाब से मैंने ट्रिप प्लान की बहुत। तो यहाँ तक आके फिर हमने गीजा में या कायरो में अपने 4 दिन मस्ती में बिताए। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारी आइटनरी, मैंने आपको मोटी मोटी समझा दी। दिल्ली टू कायरो, कायरो टू लक्सौर, लक्सौर टू हुरगाड़ा, हुरगाड़ा टू नाग हमीदी हम इसलिए करते क्योंकि मैं फ्रेंड से मिल रहा था, आप ये स्किप कर सकते हैं। अगर आपको आसवान कवर करना था, लक्सौर टू आसवान भी कवर कर सकते हैं। हुरगाड़ा से फिर हम लोग गए थे कायरो, कायरो में फिर हम लोग वन डे ट्रिप था हमारा अलेक्जेंड्रिया के लिए। तो ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट 7 to 8 days की आइटनरी। करेक्ट, इसमें जो गगन ने नाम लिया आसवान, आसवान बहुत सुंदर जगह है, वहाँ पर सॉल्ट लेक्स है। तो अगर आपको लेक्स पसंद है और आप इंस्टाग्राम पे फोटो वीडियो रील बनाना चाहते हैं, अच्छा लगता है, हाँ। तो वो आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा ये क्वेश्चन था कि आपने इंटरनल ट्रैवल कैसे करा। तो लक्सौर में आपको जी सिर्फ बेस्ट यही रहेगा कि आप कैब कर लो, हाँ। लक्सौर में क्योंकि काफी दूर दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे तो नहीं दिखे। तो लक्सौर में जब आपको रामेसिस टेम्पल जाना है या किंग्स वैली जाना है, ये सारी जगह जब आपको जाना है तो आप कैब कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी $10 पर पर्सन पर डे के लिए। एक दिन भाई ने $10-20 लेके हमें पूरा घुमा दिया था, सारे टेम्पल ले गए थे। जैसे गगन ने बोला काफी टाइम बचता, रिलैक्सिंग थोड़ा हो जाता है। दूसरा था हुरगाड़ा में कैसे था। हुरगाड़ा में हमने टैक्सी ही करी थी क्योंकि काफी इजीली अवेलेबल है टैक्सी, पर वो जो टैक्सी की बात कर रही है वो शेयर्ड टैक्सी है, हाँ। वो आपको मिल जाती है £2, £3, हाँ। £4 में, तो वो इतनी सस्ती है कि आपको उबर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसा कि मैंने बोला हुरगाड़ा में उबर है, तो आप उबर भी बुक कर सकते हैं इफ यू वांट। कायरो में मेट्रो भी अवेलेबल है क्योंकि कायरो इज अ मेन सिटी कैपिटल लेवल, तो मेट्रो भी अवेलेबल थी। मेट्रो में ही हमने मोस्टली ट्रैवल करा है, बसेस में ट्रैवल इतना नहीं करा, बस हमने सिर्फ करी थी जब हम आ रहे थे फ्रॉम कायरो टू एयरपोर्ट, करेक्ट, इंडिया वापस आने के लिए। उसके अलावा आपको कायरो में भी वो मिनी बसेस या मिनी वैन्स भी मिल जाती हैं, वो भी £5-10 में आपको एक जगह से दूसरी जगह आराम से छोड़ देती है। और मेजरली मेरा और गगन का फोकस रहता है कि हम बाय फुट बाय वॉक एक्सप्लोर करें सिटी को, तो आप ज्यादा अच्छे से सिटी को समझ पाते हैं। अगर आप चलने के शौकीन हैं तो आप आराम से मस्ती से घूम सकते हैं। कायरो में भी उबर अवेलेबल है, आप उबर भी कर सकते हैं। दैट्स राइट, अगले प्रश्न की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब ट्रैवल करना चाहिए इन इजिप्ट। तो भाई अक्टूबर से अप्रैल के बीच में आप जा सकते हैं, अदरवाइज इजिप्ट थोड़ी गर्म जगह है, अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो आपका तेल निकल जाएगा। हम लोग गए थे दिसंबर में, इतना मजेदार मौसम था, ना ठंड लग रही थी ना गर्मी लग रही थी, परफेक्ट वेदर था डेजर्ट एक्सप्लोर करने के लिए, सी एक्सप्लोर करने के लिए, सिटी एक्सप्लोर करने के लिए और मजे लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड्स के टाइमिंग क्या है और कब जाना चाहिए। तो पिरामिड के जो टाइमिंग है वो है 8 AM till 4 PM, और ट्राई करो कि आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो अर्ली मॉर्निंग आप चले जाओ, क्योंकि वहां पर रश कम होता है उस टाइम पे, और मौसम भी अच्छा होता है, और आपको काफी टाइम मिल जाता है अच्छी तरह से फोटोज वीडियोज रील्स बनाने का। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि क्या वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है। अरे भाई इजिप्ट में भर के वेजिटेरियन फूड है, कोशारी नेशनल फूड ऑफ इजिप्ट। एक और है फलाफल, फलाफल नेशनल ब्रेकफास्ट ऑफ इजिप्ट, ब्रेकफास्ट ऑफ इजिप्ट। आपको जो इजिप्शियन इसको वो रोटी बोल दो, ब्रेड बोल दो, जो मर्जी बोल दो, पीटा ब्रेड बोल दो, इतनी टेस्टी खमीर लगा के रोटी मिलती है। स्वीट्स में आपको उमाली खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कुनेफे खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेशपूशा खाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वहां पर आपको पेस्ट्रीज, बेकरी आइटम, पिज्जा इतना कुछ मिलेगा। बेकरी तो इजिप्ट की बहुत फेमस है, आपको इतनी सुंदर सुंदर कुकीज और ब्रेड्स और सैंडविचेस मिलेंगे, मजा आ जाएगा। और एक्चुअली एक और बंदे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था इंस्टाग्राम पे कि क्या जैन फूड अवेलेबल होगा। तो आई डाउट अबाउट जैन फूड क्योंकि बट आई थिंक आप फ्रूट्स खा सकते हो या फिर अपना घर से पैक करके खाना लेके जा सकते हो, बट स्पेसिफिक जैन फूड थोड़ा डिफिकल्ट हो मुश्किल है। गगन ने बोला फ्रूट खा सकते हो, तो फ्रूट वहां बहुत सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है, जगह जगह आपको फ्रूट सेलर्स मिल जाएंगे इंडिया की तरह। आपको एक टाइम पे आके ऐसी फील आने लग जाएगी आप इंडिया से बाहर गए ही नहीं थे कभी, इतना सिमिलर है इजिप्ट हमारे इंडिया से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी ट्रिप की कॉस्ट क्या थी। तो जी कॉस्ट मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप कितनी सिटीज उसमें ऐड कर रहे हैं, कितनी शॉपिंग ऐड कर रहे हैं, कितने टाइम पहले आप अपनी फ्लाइट बुकिंग करा रहे हैं। बहुत हमारी जो कॉस्ट पड़ी थी वो मोटा मोटी हमारी पड़ी थी 1.1 to 1.2 lakhs।
विच इंक्लूड्स फ्लाइट्स एज वेल, जिसमें हमारा फ्लाइट का खर्चा जो था वो था 65,000 टू 70,000 के बीच में था, दो बंदों का राउंड ट्रिप। करेक्ट। जो कॉस्ट गगन ने बताई हम दोनों बंदे की है, उस कॉस्ट में हमारा हॉट एयर बलून, हमारे इंटरनल ट्रेवल सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ। तो इस हिसाब से अगर आप इकोनॉमिकली प्लान करना चाहें, बजट में इजिप्ट ट्रैवल करना चाहें, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसमें ऑब्वियसली हमारा 4-star 5-star का स्टे इंक्लूडेड नहीं होता है, जहां हमें लगता है कि कॉस्ट कटिंग हो सकती है हम आप कर लेते हैं। तो आप अगर आपका 4-star 5-star का प्लान है और आप बोलो कि जी 1.5 लाख में हो जाए, तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा फिर 1.5 लाख में कवर, फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। और अगर आपको ऐसे किसी टूर एजेंट का या ट्रैवल एजेंट से कॉन्टैक्ट चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, हम आपको एक इजिप्शियन लोकल ट्रैवल एजेंट से कनेक्ट कर देंगे, जो इंडियंस के लिए बहुत सुंदर सुंदर टूर पैकेजेस बनाते हैं। और वो उनका व्हाट्सएप नंबर होगा, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कैसे कॉन्टैक्ट करें हम उनको। हाँ। तो हमेशा हम आपको व्हाट्सएप नंबर ही शेयर करेंगे, आप आराम से उनसे चैट कर सकते हैं और आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, एंड दैट्स फॉर अरुण, हाउ टू अवॉइड स्कैम। अरे भाई स्कैम, अब तसल्ली से बताते हैं, स्कैम इजिप्ट में कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, वो आपसे बोलेगा 13, 13, 13, आपको लगेगा 13 बोल रहा है, पर जैसे ही आप वेन्यू पे पहुंचेंगे या डेस्टिनेशन पहुंचेंगे, टैक्सी वाला बोलेगा मैं तो 30 बोल रहा था, 30 बोल रहा था। सबसे पहला तरीका उनका स्कैम करने का। नाउ हाउ टू अवॉइड इट, ये मोस्टली आपको स्कैम जो है, मैं बता देती हूँ, वो मिलेगा आपको सिर्फ कायरो में, दैट टू नियर टू पिरामिड्स। करेक्ट। पर अब क्वेश्चन है कि इसको अवॉइड कैसे करें। तो हम हमेशा जब भी किसी ऐसी कंट्री जाते हैं जहां पर इंग्लिश प्राइम लैंग्वेज नहीं है, तो हम ऑफलाइन गूगल ट्रांसलेशन डाल के ले जाते हैं। हम अरबिक का भी ले गए थे, क्योंकि इजिप्ट में अरबिक भाषा बोली जाती है। तो वहां पर हम हमेशा क्या करते थे, बस में या कार में या ऑटो में कहीं भी बैठने से पहले लिखते थे उस पर, ओनली 30 pound, नो टिप, नो एक्स्ट्रा, आर यू गुड। वंस ही सेज यस, तब हम उसमें बैठते थे। दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड फर्स्ट टाइप ऑफ स्कैम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टाइप ऑफ स्कैम, पिरामिड्स का स्कैम बता देते हैं एक बार, जिसमें हम बच गए। और ये बड़े बाल बाल बच गए, बताओ। नहीं आप बताओ। अच्छा, पिरामिड के स्कैम की जो हमारी नींव रखी गई थी, वो इतने स्मार्ट तरीके से रखी गई थी कि हमारे होश फाकता हो गए। हम जैसे ही गीजा मेट्रो स्टेशन पे उतरे, एक बंदा एक बच्चे के साथ हमारे पास आता है, बोलता है मैं अलेक्जेंड्रिया से हूँ, मैं पिरामिड जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें लोकल्स की तरह पिरामिड दिखा दूँ। हाँ, और मैं अलेक्जेंड्रिया से हूँ, मेरे बच्चे को ये करना है वो करना है, और बहुत फ्रेंडली नेचर में उन्होंने हमें बिठाया और हम लोग मान भी गए, हाँ यार चलिए बच्चा है साथ में तो चलो सही कह रहा होगा। क्योंकि अब तक हमारा इजिप्ट के लोगों के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो हमारे मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। उस बंदे ने टैक्सी में बैठते हमें पैसे नहीं देने दिए, बोलता मैं पे करूंगा टू गेन आर ट्रस्ट। पर जैसे ही हम पहुंचते हैं गीजा, और गीजा में वो हमें एक्चुअली एक और चीज बता देती हूँ कि पिरामिड्स जो है वो कायरो में नहीं है, वो एक दूसरे शहर में जो कि गीजा है। कायरो टू गीजा आप आराम से मेट्रो से जा सकते हैं, सिर्फ 7 pound टिकट के पैसे लगते हैं, मतलब कि 7 के 21 rupees में आप पहुंच जाते हैं। हम जैसे ही पहुंचे पिरामिड्स पे, भाई ने हमें एक चैरियट में बिठा दिया, और वो भी हमें फ्रंट गेट ऑफ पिरामिड्स में नहीं लेकर गया, वो हमें बैक गेट पे लेकर गया। बार बार बोलता रहा कि मैं आपको पिरामिड दिखाऊंगा लोकल्स की तरह, स्टूडेंट्स की तरह, आपने ऐसे पिरामिड कभी देखा ही नहीं होगा। भाई हमने तो वैसे ही नहीं देखा था, मान गए हम, चले गए। पर जैसे ही हमें उसने चैरियट में बिठाया, चैरियट वाला बोलता है 900 pound पर पर्सन, 900 pound, फिर बोलता है अच्छा चलो 700 दे देना, अच्छा चलो 500 दे देना। मैंने बोला अभी रोक अपना ये टांगा, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दी। और वो टांगा रोक ही नहीं रहा, वो चलाया जा रहा था हमें और दूर लेके जा रहा, तो हमें तो भाई लग गया कि ये हमें ठगने वाला है। तो जब हम चीखे उसके ऊपर कि स्टॉप इट अदरवाइज वी आर कॉलिंग पुलिस, तो उसने रोका, हम उतर गए, हमने लंबी सांस ली, हमें समझ में आ गया भाई कोई गड़बड़ है। हाँ, कोई लोकल और टूरिस्ट तरीका और स्टूडेंट तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, जेन्युइन तरीका है। उस तरीके से फिर हमने टिकट ली और हमने अपने आप को टिकट ली और अपने आप को स्कैम होने से बचा लिया। तो एक और चीज बताऊंगी, हमें लक्सौर में कोई स्कैम नहीं मिला, हमें मुरगाना में कोई स्कैम नहीं मिला, हमें नागम मिली तो हम तो फ्रेंड से मिलने गए थे, कोई स्कैम नहीं दिखा। स्कैम दिखता है जहां पर ज्यादा टूरिस्ट एरिया है, विच इज पिरामिड्स। करेक्ट। स्कैम से बचने का जो एक तरीका हमारे दिमाग में आ गया था, वही आ गया था कि डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी, जो लेजिटिमेट तरीका है उसी तरीके को फॉलो करो, वहीं जाओ। जो भी इंसान आपसे आके कुछ हेल्प ऑफर भी कर रहा है, अगर हेल्प मतलब थैंक यू बोल दो, मना कर दो, वो नहीं पीछे आएगा, हेल्प के चक्कर में ही वो आके आपसे पैसा लेगा। एक स्कैम का एक और तरीका है इजिप्ट के पिरामिड के अंदर, जो कि ऊंट वाली चीज क्या हमने वहां पे ऑब्जर्व की थी कि अगर आप दो लोग हो, आप एक ऊंट पे दोनों बैठ सकते हो, आपको एक पे नहीं बिठाएंगे। हाँ, नहीं। दो अलग अलग ऊंट देंगे ताकि आपका पैसा डबल हो जाए। वो आपसे बोलेंगे गिव मी योर फोन, आई विल टेक अ फोटो। आपने उनको फोन दिया फोटो खींचने के लिए, फिर वो आपको फोन तब तक वापस नहीं देंगे जब तक आप उनको टिप नहीं दोगे। टिप बहुत मांगते हैं। तीसरा, वो आपसे बोलेंगे आओ मेरे तांगे में बैठो, मैं आपको ऐसे पॉइंट पर लेके जाऊंगा जहां से आपको तीनों पिरामिड एक ही व्यू में नजर आएंगे। तो भाई ऐसी डील बहुत सोच समझ के करना,
पिरामिड के बाहर घूमने के लिए कोई डील मत करना, अंदर जाना, खुद से टिकट खरीदना, खुद सारी चीजें एक्सपीरियंस करना, किसी पे भरोसा मत करना, आप लुट सकते हैं। तो आप एक और चीज भी कर सकते हैं पिरामिड्स घूमने के लिए, आप एक ऑथेंटिक ट्रैवल एजेंट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंदर तक गाड़ी जाती है, अगर आप ट्रैवल एजेंट के साथ आ रहे हैं तो गाड़ी जाती है, तो आप एक लेजिटिमेट तरीका भी यूज कर सकते हैं जिससे आपका टांगा और ये सब चीजें अवॉइड हो सकती है। इसके लिए आप एयरबीएनबी पे जाके डे टूर ऑफ कायरो, गीजा, ये सब बुक कर सकते हैं, तो आप तसल्ली से एक सुंदर इजिप्ट देखेंगे और इन सारे स्कैमर से आप बचे रहेंगे। मैडम अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, उसके बाद है कि कवर लेटर का लिंक बता दो। यार कवर लेटर का लिंक ऐसे तो मेरे पास कोई है नहीं, हमने वो कवर लेटर खुद लिखा था, तो अगर आपको कवर लेटर चाहिए तो मैक्सिमम सपोर्ट ये हो सकता है कि आप हमारी वीडियो में जहां स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं, जो मैंने आपको पहले बोला था डिटेल वाली व्लॉग है, अगर वहां भी आपको नहीं मिलता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, हम आपको कवर लेटर का सैंपल भेज देंगे, पर ऐसा कोई लिंक हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने खुद से लिखा था कवर लेटर। उसके बाद है कि क्या ई वीजा अवेलेबल है इंडियंस के लिए? नो, इंडियंस के लिए स्टिकर वीजा लगता है, बेस्ट ऑफ आर नॉलेज 2 महीने पहले हम होके आए हैं, कोई ई वीजा नहीं लगता है। लोग ई वीजा कैसे बेच रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो अपनी ऑनलाइन सर्विसेज आपको दे रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ट्रैवल एजेंट, वो लेके आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी जाएंगे और सारा काम करेंगे, पर लॉजिकली देयर इज नो ई वीजा फॉर इंडियंस, इट इज ऑलवेज स्टिकर वीजा। बिल्कुल। उसके बाद है कि हमने हॉट एयर बलून कैसे करा और क्या कॉस्ट थी। तो हॉट एयर बलून जो है, जैसा अभी आपको बताया, हमने लक्सौर में करा था, और ओमार भाई से करा था, काफी अच्छा बंदा है वो। हाँ, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जेन्युइन है वो हॉट एयर बलून का। हमें जो कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी $50 पर पर्सन, मतलब दो बंदों की कॉस्ट थी $100 US। और अच्छा एक्सपीरियंस था हॉट एयर बलून का भी हमारा। अगर आपको हॉट एयर बलून बुक करना है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे @VeggieWonder, हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे ओमार भाई। लास्ट क्वेश्चन है कि हमें अलेक्जेंड्रिया टिकट, जो हमने ट्रेन टिकट करी थी, उसकी कॉस्ट क्या पड़ी थी? वो हमें पड़ी थी 111 इजिप्शियन पाउंड राउंड ट्रिप फॉर वन पर्सन, यानी हम दोनों की कॉस्ट हो गई 222 इजिप्शियन पाउंड। 2.5 घंटे का ट्रेन ट्रेवल था और अलेक्जेंड्रिया घूम के मजा आ गया। ट्रेन की जो कैटेगरी थी वो थी सेकेंड एसी। करेक्ट। तो जी, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन हो गए हैं समाप्त, और ये था हमारा शॉर्ट एंड स्वीट, एक डिटेल वीडियो जितनी हम बना सकते थे अपनी इजिप्ट के ट्रैवल या एक्सपीरियंस को शेयर करने के। अब एक छोटी सी चीज आपको और बता देते हैं इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन के टाइम पे जब हम वापस इंडिया आ रहे थे तो एक आपको वो फॉर्म देते हैं, आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। इजिप्ट में ही मिलता है, कायरो में मिलता है आपको। आपको एयरपोर्ट पे मिल जाता है, आप फॉर्म फिल कर दो, तो जब आप इमिग्रेशन के लिए जाओगे तो फॉर्म आप उसको दे देना, वो फॉर्म लेगा, आपको ठप्पा लगाएगा, बोल देगा टाटा गुड बाय, अच्छा लगा आप इजिप्ट में आए। एक चीज और जो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इफ यू आर अ व्लॉगर, इजिप्ट इतना व्लॉगर फ्रेंडली नहीं है, तो रेडी रहना कि लोग आपके पास आएंगे और आपसे बोलेंगे अपनी वीडियोस डिलीट कर दो। हाँ। क्योंकि ये सेम हमारे साथ हुआ था एयरपोर्ट में। हमने अच्छा खासा ये पूरा इन्फॉर्मेशन व्लॉग जो अब हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठ कर रिकॉर्ड किया था, और आके भाई साहब ने हमसे वो डिलीट करा दिया था। एक और इन्फॉर्मेशन थी जो हम एयरपोर्ट पहुंचे कैसे थे, वो जरा बताओ ना। वो अभी जैसे थोड़ा सा मैंने हिंट दी थी कि हम लोग पहुंचे थे बस से फ्रॉम कायरो टू एयरपोर्ट, और उसकी कॉस्ट थी सिर्फ 27 पाउंड। 27 पाउंड जो हमें पड़ी, 27 इजिप्शियन पाउंड हमें कॉस्ट पड़ी थी उबर की, फ्रॉम आर बीएनबी टू बस स्टेशन। बस स्टेशन से एयरपोर्ट तक की हमें कॉस्ट पड़ी थी 40 पाउंड दोनों का मिला के टोटल, विद लगेज का भी कॉस्ट। और लगेज के उन्होंने दो बंदों के हिसाब से कॉस्ट लिया। हाँ। था वैसे 10 पाउंड की टिकट थी, 10 और 20 पाउंड हो हमारे लगेज के, 40 सही था यार। मैं जब उबर में देख रही थी तो कुछ 120-130 पाउंड के करीब कुछ दिखा रहा था। नहीं मैडम, और भी ज्यादा दिखा रहा था, वो दिखा रहा था बोला 150-150 से ऊपर दिखा रहा था, और हम पहुंच गए थे 67 पाउंड में ऑन टाइम। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस इजिप्ट का रहा था। बहुत सुंदर जगह है, अच्छे लोग हैं, खाना बहुत अच्छा है, थोड़े बहुत स्कैम्स हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। मुझे लगता है हर जगह मिलेंगे आपको, बट द पॉइंट इज कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, और अगर आपको लगता है कि आप अपने पूरा ट्रिप नहीं प्लान कर सकते हैं तो आप एक ट्रैवल एजेंट भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल एजेंट का नंबर चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट एक और क्वेश्चन हमसे, एक्चुअली इजिप्ट से ही स्टार्ट हुआ है, हम दोनों ट्रैवल एजेंट्स नहीं है, हम लोग बुकिंग नहीं करते, हमारा इसमें कोई कट नहीं है, और अभी हम कोई टूर लेके नहीं जाते, अभी लेके नहीं जाते, पर हो सकता है फ्यूचर में कभी, यू नेवर नो, तो हो सकता है हम लोग साथ में एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग कंट्रीज को। तो भाई ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी, जो हमने आपको देनी उचित समझी। इसके अलावा अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो
आप प्लीज हमें बताएं। और इसके बाद आने वाली एक बहुत ही सुंदर सीरीज इंडिया से बाहर की एक कंट्री की, तो उसके लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल @VeggieWonder। और क्योंकि उस सीरीज में हम आपको एक ऐसी अनोखी जगह लेके जाएंगे कि आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। हाँ। तो उस अनोखी जगह जाने के लिए जैसे गगन ने बोला, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, मोटिवेट करो हमें, सब कुछ करो, मोटिवेट करो हमें। चलो ठीक है जी, ओके बाय बाय। चलो ओके जी, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर इजिप्ट ट्रिप। बाय। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना हमसे, मजा आएगा इजिप्ट बहुत।